हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अडोब फोटोशॉप CS6 में कैसे आई के लेंस का कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी फोटोग्राफ का या किसी भी इमेज का। तो ये जिस तरह आई लेंसेज शो किए हुए हैं कलरफुल, तो हम ये अपने पिक्चर्स में ये लेंसेज और आई का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, आइए हम बात करते हैं इस बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इमेज इम्पोर्ट करेंगे जिसका हमने आई का कलर चेंज करना होगा। तो ये हम रैंडमली किसी एक मॉडल की इमेज सेलेक्ट करेंगे। वो अब ये एक मॉडल है, इसके अगर हम आई के लेंस का कलर चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जूम कर लेते हैं और एक पेंट ब्रश से कोई रैंडमली कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इस ब्रश को लेंस में साइडों पर पेंट करना है, लेकिन आयरस पे पेंट ना हो तो सबसे पहले हम इसकी एक न्यू लेयर बना लेते हैं और ब्रश टूल से इसको ब्रश करेंगे। आप रफली भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, बाद में हम इसको रेज भी कर सकते हैं या अनवांटेड एरिया को हम क्लियर भी कर सकते हैं। आप रफली एक स्केच बनाए, बस ख्याल ये रहे कि ये ब्लैक पोर्शन जो है आपका ये कवर ना हो, बस साइड्स कवर हों आपकी, लेकिन ये ब्लैक पोर्शन आपने सेफ रखना है। बस ये आप रफली कर पेंट कर लें। तो मैं क्योंकि ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी जल्दी से इतनी केयरफुली नहीं कर सकता, तो आप ये बिल्कुल एहतियात से कीजिएगा तो आपका ये बहुत अच्छा होगा। तो इसके बाद ये पेंट करने के बाद इसको आप सॉफ्ट लाइट की ब्लेंडिंग करें। सॉफ्ट लाइट की जब ब्लेंडिंग कर लेंगे आप, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि साइडों से या कहीं से कोई कमी बेशी हो, तो आप उसको रेजर टूल लेके साइड्स उसकी क्लियर कर दें। तो इससे ये जो आपको पेंट फालतू या आई के लेंस से बाहर आ गया उसको आप क्लियर कर लें बिल्कुल केयरफुली इस तरह से, और जहाँ कमी है तो दोबारा पेंट ब्रश लेके आप उसी कलर को, सेम कलर को वहाँ पर पेंट कर दें। बस इसमें एक ख्याल आपने ये रखना है कि ये बिल्कुल लेंस से बाहर ना आए और ये ब्लैक पोर्शन पे आपने कलर नहीं करना। तो ये आप बहुत एहतियात से अपने केयरफुली जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 times आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो जहाँ बस कलर आपका बाहर आ जाए या कोई मिस प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको रेज़र से रिमूव कर दें अनवांटेड कलर को और पेंट ब्रश से अगेन पेंट कर लें। ब्रश का साइज़ आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा कि किसी में मॉडल है आई थोड़ी क्लोज भी हो सकती है, मीडियम भी ओपन हो सकती है। ये फुली ओपन आई में ज़रा ईजीली रहता है अगर आप इस तरह करें तो। ये मैं रिमूव कर देता हूँ अनवांटेड और अगेन पेंट ब्रश से मुझे जहाँ पेंट कम होगा वहाँ पेंट कर दूँगा। तो अभी मैंने आई थिंक सारा ऑलमोस्ट कर लिया कवर। तो अब मैं इसके एक ह्यू एंड सैचुरेशन की न्यू लेयर बनाऊँगा और उधर से आप देखें, आप इस आई को हम डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, इसको मर्ज कर देंगे, पिन कर देंगे और इसके बाद देखें ये लेंस में डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, इनको हम किसी भी तरह मर्ज कर सकते हैं। ये लाइटनेस भी हम इसकी कम कर सकते हैं, सैचुरेशन में मज़ीद हम इसमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और ऊपर कलर से भी हम डिफरेंट कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखें आई के कलर्स डिफरेंटली चेंज होते जा रहे हैं। आप ऊपर वाली बार को अगर चेंज करेंगे तो डिफरेंट कलर्स चेंज होंगे, नीचे वाली बार से सैचुरेशन चेंज होगी और उससे नीचे वाली लाइटनेस, इस कलर की लाइटनेस डिम या लाइट होगी। अगर बिल्कुल कम करेंगे तो इस तरह डार्क कलर आ जाएगा, अगर लाइटनेस की तरफ आप आगे लेके जाएंगे तो कलर में लाइटनेस एक आ जाएगी, सैचुरेशन से एक उसमें कलर के साथ एक इफेक्ट जनरेट होगा। तो आप डिफरेंट जो आपको सेलेक्ट अच्छा लगे कलर वो आप सेलेक्ट करें और सैचुरेशन सेलेक्ट करें और आपका ये आई का कलर विद इन फ्यू क्लिक्स चेंज हो गया है। ये आप किसी भी इमेज पे, फोटोग्राफ पे आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप 2 से 3 बार करेंगे इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा। ये बिल्कुल ईजी है, देखें आप किसी भी तरह से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के साथ ये कलर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये देखें पहले और अब में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कलर चेंज होके कैसा डिफरेंस फील हो रहा है। तो इसको अब हम क्लोज करते हैं।
तो अब हम एक नई इमेज ओपन कर लेते हैं, रैंडम में कोई एक मॉडल सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही एक हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ हमें मुनासिब लगे इसको एडिट करना, और इसकी एक न्यू लेयर बना लेते हैं। और अब हम पेंट ब्रश से इसको पेंट करेंगे। जो पेंट हम अपने कलर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी, लेट्स सपोज हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो हम इसको रफली पेंट करना शुरू कर देते हैं। तो कोई इशू नहीं, आप इसको रफली जैसे भी पेंट करें, बस इसमें एक ख्याल ये रखना है कि ब्लैक पोर्शन पेंट से कवर ना हो और थोड़ा सा लेंस से बाहर ना आए, तो वो ऑकवर्ड फील होता है, थोड़ा बुरा लगता है। तो आप इसको जल्दी जल्दी से पेंट कर लीजिए ब्लैक पोर्शन को सेव करते हुए, और सारा लेंस कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर जहाँ कोई मिस्टेक होगी उसको हम रिमूव कर लेंगे बाद में रेजर टूल से। तो ये एक आई हमने मुकम्मल आई थिंक कवर कर ली है, तो इसको अच्छे से पेंट कर लीजिए, बाहर जाने की टेंशन ना लीजिए, उसको हम रिमूव कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी आई को भी कवर करते हैं, इसी तरह हम पेंट करेंगे, सारी आई को हम कवर करेंगे, सिर्फ ब्लैक पोर्शन को हम कवर नहीं करेंगे सेंटर में, और साइड साइड्स वगैरह सारी हम अच्छे से क्लियर करके इसको पेंट कर देंगे। मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, आप आराम से इसको ज़रा कीजिएगा माउस के साथ, बिल्कुल इजीली स्लो स्लो हैंड से, तो ये बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। आपको दोबारा रिमूव करना नहीं पड़ेगा, मेरे सिचुएशन में मेरी थोड़ा सिनेरियो गलत है। मैं ज़रा जल्दी से कर रहा हूँ, तो मुझे रेज़र टूल से इसको थोड़ा रेज भी करना पड़ेगा जो बाहर आ गया है। तो आप ऐसा ना कीजिएगा, अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, रेज़र टूल इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो हम इसको सॉफ्ट लाइट पे पहले ब्लेंड कर लेते हैं, और इसमें अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ से ये बाहर आए इसको हम इजीली रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आवर रेजर टूल। तो ये ज़रा सा ये हम रिमूव कर देंगे एजिस से। एक्चुअली इसमें एजिस का ही प्रॉब्लम आता है कि एजिस हमें बिल्कुल क्लियर रखने पड़ते हैं, बाकी अंदर से और वो ब्लैक पोर्शन तो सेफ हो जाता है, बस थोड़ा सा एजिस का इशू होता है। तो ये अब हम इसके एजिस यहाँ से हमें थोड़ा सा इशू कर रहे हैं वो हम क्लियर कर देंगे। और एजिस के लिए हम एक लैसो टूल ले लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसको हम जिस पोर्शन में सेलेक्ट करते हैं और जो पोर्शन जितना एरिया सेलेक्ट करता है, तो ब्रश सिर्फ अपने ही एरिया में काम करता है, तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। तो ये हम इसमें देखें, आप कलर करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो सिर्फ ये ब्रश। तो ये भी हो सकता है कि आप इस पूरे आई को ही सिलेक्ट कर लें, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक टाइम लगता है, तो बस हम रफली इसमें जल्दी से पेंट कर लेते हैं। ये देखें कि सिर्फ ये लेजर टूल इसी एरिया में काम करेगा जहाँ हमने इसको सिलेक्ट किया होगा। तो अभी भी थोड़ा सा एज रह गया, इसको लेजर टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं आई थिंक। तो ज़रा सा किनारा हम इसको सिलेक्ट करने की ट्राई करते हैं, और ये देखिए ये ब्रश टूल सिर्फ उसी में ही पेंट करेगा जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे लेजर टूल से। इवन आप कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें, वो इसी फॉर्म में एक्ट कर परफॉर्म करेंगे। और रेजर टूल से हम इसके एजेस केयरफुली रिमूव करेंगे कि बस ये बाहर अगर पेंट नज़र आएगा तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, एक थोड़ा प्रोफेशनल लुक भी आना चाहिए अब देखें तो। तो ये हम लेज़र टूल लेके इसके दूसरे के भी एजेस ज़रा से स्मूथ करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो, कि इसके कॉर्नर्स जो हैं उसको ज़रा पेंट कर देंगे और पेंट एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह लाइटली हम इसको पेंट करेंगे, और अनवांटेड को हम रेजर से रिमूव कर देंगे बिल्कुल लास्ट एजेस। तो अब आप देख लें कि ये रिमूव होने के बाद आप अगर देख सके तो दोनों आईज आई थिंक क्लियर हो गई हैं, इसमें हमें मज़ीद कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा हम इसमें फिर भी थोड़ा सा टच दे देते हैं, कमी नहीं होनी चाहिए।
तो इसलिए बस हम इसको टच देकर रेज़र से थोड़ा सा रिमूव की कर देते हैं। जहाँ जहाँ से ज़रा बुरा लगेगा वो हम अरेज कर देंगे। तो अब इसके बाद आप देखें बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अब हम इसके ह्यू एंड सैचुरेशन की एक न्यू लेयर बनाएंगे और इस लेयर को पिन करेंगे। और अब इसके कलर हम चेंज करेंगे। आप देखते जाएं, आप जो आपको अपने सिलेक्शन में पसंद आए या जो आपको रिक्वायर्ड कलर हो उसको आप अकॉर्डिंग टू द लाइटनेस या सैचुरेशन से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। कलर अपनी मर्जी का कर सकते हैं, उस कलर के अंदर डिफरेंट शेड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेड कलर लेते हैं तो उसके डिफरेंट शेड्स, ग्रीन कलर है उसके डिफरेंट शेड, पर्पल, जामनी उसके डिफरेंट शेड्स, और शेड्स के भी आप फर्दर लाइटनेस को कम या ज़्यादा करके भी उसमें डिफरेंट कलर्स चेंज कर सकते हैं। कि अगर आप लाइटनेस कम करेंगे तो उस कलर की इंटेंसिटी थोड़ी और होगी, अगर लाइट करेंगे डार्क करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी और होगी। ये मैं डिफरेंट आपको एग्जाम्पल्स करके दिखा रहा हूँ। तो आप जब अपनी पेंट में आई का लेंस चेंज करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब अपने रिक्वायर्ड सिचुएशन के मुताबिक किसी भी तरह से ये कलर चेंज कर सकते हैं। और देखें ये डिफरेंस भी आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का। तो गाइस ये आज का बस एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।